बिग बॉस देख रहा हूँ मैं। देखता तो नहीं पर आज ग्रैंड फिनाले है। टॉप टू बच्चे हैं एमसी स्टैन और शिव ठाकरे। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, कोई घर पे है भी नहीं, बस सब बाहर कहीं ना कहीं जा रखे। मैं आज पूरा दिन, मतलब अभी तो कोई प्लान है नहीं घर, मतलब घर पे रुकने का। नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का अभी, क्योंकि अभी फिलहाल दोस्त लोग का कोई वाला आया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ आज की ही छुट्टी है, मतलब संडे को मैं पूरा दिन बैठ के एनिमे देख सकता हूँ और फिर मंडे से क्लासेस चालू हो जाएंगे, फिर मैं देख नहीं पाऊँगा। क्योंकि फिर मैंने सोचा है मैं गेमिंग चैनल पे भी वीडियो डालूंगा जितना हो सके। स्पेस की भी दिक्कत आएगी, तो मतलब मुझे जल्दी से रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, डिलीट करो, यही करना पड़ेगा। तो फिर मुझे एनिमे देखने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं सोचा अभी देख लेता हूँ। मैं अगर आज देखूँगा ना तो मैं पहुँच जाऊँगा वन पीस के 1000 एपिसोड कम्प्लीट हो जाएंगे अगर मैंने आज देखा। अभी मैं हूँ 990 समथिंग पे हूँ, 90 या 80 पे हूँ ऐसे समथिंग, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं 10-20 एपिसोड और देखने हैं, मेरे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे एपिसोड वन पीस के। और ट्रस्ट मी भाई, वन पीस तो मेरा बेस्ट एनिमे है, बेस्ट। मैंने पहले नरूटो देखा तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन भाई वन पीस है और मुझे लगता भी नहीं है कि इससे बेटर कोई एनिमे आ सकता है फ्यूचर में। वन पीस एक लौता है एनिमे जो इस जिसके ऑलमोस्ट 1000 एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 1000 और आने चाहिए, इससे कम से कम 2000 एपिसोड होने चाहिए। 2000 नहीं तो कम से कम 1500 एपिसोड बना ही दो भाई, मास्टर पीस है। अभी फिलहाल मैं कुछ चाय दूध वूध तो पीऊँगा नहीं, सीधा खाना खाता है, क्योंकि आज मैं उठा लेट हूँ, सीधा खाना ही खाता है। अपना रूटीन सही करना ना मुझे सुबह जल्दी उठने का, तो इसलिए सब हो रहा है भाई। चलते फिलहाल अभी खाना खाते हैं। तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आज खाने में ये बना है आलू की सूखी सब्जी, आलू और ये शिमला मिर्च रोटी, इसको खाते हुए आज पूरा दिन बैठ के एनिमे देखूंगा। और कल से मस्त वही रेगुलर चालू, अपना जिम कॉलेज वही सब, फिर टाइम मिलेगा नहीं। ओके गाइस, तो मैं अभी बैठ के एनिमे ही देख रहा था, या तो वो कॉल आता है कि बाहर चल के कुछ खाते हैं, तो मैं क्या चलते हैं भाई, क्योंकि फिर कल से कॉलेज स्टार्ट है, फिर टाइम मिलेगा नहीं, वीकेंड पे ही टाइम मिलता है। अभी चलते सीधा बाहर कुछ खावा के आते हैं, क्योंकि घर पे तो दाल ही बनी होगी। फिलहाल वही सीरे मैं और यात्रा जा रहे हैं, सौरभ का भी कॉल आया था, वो भी आ रहा है। चलते अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, मनीष वाहिद या जो भी, खाने खाऊंगा तो मैं चिकन ही। चलते अब बस भाई, वो जो हेलमेट रखा है ना ये जल्दी से स्टार्ट कर सकूँ मैं मोटो व्लॉगिंग। गाइस वाहिद आए थे, खा लिया है, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, इतनी तेज भूख लग रही थी, अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो मैं जैसे ही घर आया था, मतलब यात्रा घर पे था, मम्मी का कॉल आया कि मामा के घर जा रहे हैं, मैं मतलब वाहिद जाके खा के आऊँ बिरयानी, और फिर से इन्वाइट आ गया कि खाने का। कुछ खाऊंगा नहीं लेकिन घूम के ज़रूर आएंगे। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस जीन्स पहन रहा हूँ और जूते पहन रहा हूँ और चलते हैं सीधा मामा के घर पे। अब मैं ना बहुत मिस कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग को, जल्दी से जल्दी लगे, क्योंकि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने 3 महीना डिले कर दिया है और अब इसके धीमे धीमे पार्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बता रहा हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे ऐसा मन कर रहा है बस हेलमेट लो और मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो जाके, वेट नहीं हुआ मुझसे बिल्कुल। टाइम से ना ब्लॉगिंग भी हो ही नहीं थी, अब मैं कह रहा सीधा उसी से ही करते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रीक भी नहीं तोड़नी है। लोग स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाते हैं, मैं ये डेली ऐसा बोल रखा है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि मुझे हर एक दिन मेरे पास रहेगा ऐसा याद कि मैंने इस दिन क्या क्या किया था। वैसे तो सारे दिन ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं, लेकिन तब भी ऑलमोस्ट मेरे 100 ब्लॉग्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं। मैंने भाई सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा, मैंने ऑलमोस्ट 100 के आसपास ब्लॉग भी डाल दिए हैं, हो जाएंगे ऑलमोस्ट 5-10 दिन में, मज़ा आने वाला है। और एक एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है एक एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है, पता नहीं बहुत अच्छा सा लग रहा है। अभी फ़िलहाल चलते हैं भाई, घर आ गया हूँ गाइस, अभी बिग बॉस देख रहा हूँ। मैं देखता तो नहीं पर आज ग्रैंड फिनाले है, टॉप टू बच्चे हैं एमसी स्टैन और शिव ठाकरे, यही बस देख के चलते हैं, फिर एडिट करके सोते हैं। और कॉलेज कल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, अगले मंडे 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे पास अभी एक हफ्ता और है एनिमे देखने का, वन पीस पूरा ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन जिम हम कल से जा रहे हैं, क्योंकि आदत डालनी है कल से सुबह सुबह जाने की। अब ये देखता हूँ, तो अभी मैं बस बिग बॉस ही देख के आ रहा था। एमसी स्टैंड विनर है भाई बिग बॉस 16 का, मैंने देखा नहीं पूरा, मतलब पूरा क्या, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, वो जो रील्स पे आते नहीं रहते बस वही देख रहा था, फिनाले था तो देख लिया थोड़ा सा ही। अभी मामा के घर से आई हूँ, खा लिया भाई मैंने वाहिद में खाया, उसके बाद वहाँ जाके फिर से चिकन खाया, यहाँ तक भर गया है। अभी बस ये दूध पीऊँगा और सो जाऊँगा। और मुझे लग रहा था कल से कॉलेज स्टार्ट है 13 फरवरी से, लेकिन कल से नहीं,
अगले मंडे से कॉलेज स्टार्ट है मेरा सेकेंड सेमेस्टर 20 फरवरी से। तो और मैं क्या कर रहा था, मैं पिछले हफ्ता पूरा एनिमे भगा भगा के देख रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी देख लेता हूँ, फिर टाइम कहीं मिलेगा, फिर वीकेंड में देखूँगा। लेकिन अभी तो एक हफ्ता और है, और इस एक हफ्ते में ना मैं 20 से पहले अपना मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप पूरा कर दूंगा, क्योंकि ट्यूसडे को आ जाएगा मेरा वो माउंट, और भी 2-3 चीज़ें और मुझे ऑर्डर करनी है, तो इस हफ्ते लगा दूंगा। और नेक्स्ट वीक से पहले ही कह सकता हूँ मोटो ब्लॉगिंग दिखेगी मुझे। मैं ना बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही घर पे शूट करता हूँ, एक ही रूम में ब्लॉग शुरू किया ख़त्म कर दिया, तो वो बोरिंग लगता है। मुझे फ्रेंड ने भी बोला था, लक्ष्य ने, मुझे भी पता है बोरिंग है, लेकिन मैं ना अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता कि मुझे डेली ब्लॉग करना पसंद है। मेरे जो जो लाइफ में हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ, ताकि कभी भी 5 साल 10 साल बाद मुझे ये ब्लॉग्स देख सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना याद नहीं रहता, मुझे बहुत गंदी आदत है, मुझे डेट नहीं याद रहते। और अभी आप पूछो मैंने परसों क्या किया था, क्या खाया था, मुझे नहीं याद है। तो मेन रीज़न तो वही है व्लॉग बनाने का, तो बस यही कहना था, मैंने कह दिया। अभी बस व्लॉग एडिट करके सो जाऊंगा, 1 बज चुका है, और ट्राई करूंगा कि सुबह सुबह जिम जाने की आदत डालूं दोबारा से, 4 बजे वही उठ के आराम से पूरा एक हफ्ता रेडी पहले जैसी आदत एग्जाम से पहले। तो अगर सुनने ब्लॉग के एंड तक देखा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।